नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज के इस वीडियो में हम आपके लिए रीवा सीधी सिंगरौली रेल लाइन प्रोजेक्ट की लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन लेके आए हैं। आपको बताते चलें कि इस रेल मार्ग पर रास्ते में पड़ने वाले लगभग जितने भी रेलवे स्टेशनों को बनाया जा रहा है, अभी तक कोई भी रेलवे स्टेशन पूरा नहीं बन पाया है। इस रेल मार्ग में रास्ते में पड़ने वाली जो सबसे लंबी सुरंग है चुया घाटी, वो भी बनकर बिल्कुल तैयार हो चुकी है। दोनों तरफ से ड्रिलिंग का काम पूरा फाइनल कर दिया गया है। सर से इस प्रोजेक्ट बताइए सर, यहाँ के बारे में कितने किलोमीटर है ये सुरंग? 3.5 किलोमीटर आर पार हो गया है। टोटल आर पार हो गया है। अभी क्या काम चल रहा है? अभी जो है आपका शॉर्ट कंक्रीट हो रहा है, मतलब के जो कंक्रीट है उसको चिपकाया जा रहा है। नॉर्मल से हो रहा है शॉर्ट कंक्रीट, जो ऊपर में किया जाता है M25A10 है। जी जी, तो उससे क्या होता है कि जो रॉक जो है ना जी, उसका कंक्रीट होता है। अब उस सुरंग के अंदर फिनिशिंग का काम चल रहा है। बहुत जल्दी हम आपको वहां पर जाके भी दिखाते हैं कि कितना क्या वहां का काम हुआ है। इस रेल मार्ग को बनाने का लक्ष्य 2024 तक का है, लेकिन अभी तक काम थोड़ा सा डाउन हो गया है। पहले काम बहुत ही स्पीड से बना चला, उसके बाद थोड़ा सा काम अभी डाउन हो गया है। अब देखा जाएगा कि अक्टूबर के नवम्बर से जब काम ये स्टार्ट होगा, उसके बाद देखते हैं काम की स्थिति, काम में कितनी तेजी आती है या फिर काम इसी तरह चलेगा। हालांकि अभी तक जितना भी काम हुआ है ये बहुत ही फास्ट हुआ है। इनके अलावा रास्ते में पड़ने वाले जो ROB RUB ब्रिज हैं, इनको भी लगभग बनाया जा रहा है। कुछ ROB और RUB ब्रिज लगभग बन के तैयार हो चुके हैं और कुछ अभी बनाए जा रहे हैं। इनके अलावा पुल पुलियों का जो निर्माण किया जा रहा है, वो भी लगभग 80% पूरा हो चुका है, अभी पूरा नहीं हुआ है। हम आपको इस रेल लाइन प्रोजेक्ट की पूरी लाइव वीडियो दिखाएंगे, तब आपको थोड़ा सा समझ में आएगा कि कितना क्या काम हुआ है और कैसा काम हो रहा है। इस बार हमारा मेन फोकस सीधी से सिंगरौली रूट तक का रहेगा। इनके अलावा जमीन को लेबल करने का काम जो चल रहा था, फिलहाल ये जुलाई से इस काम को बंद कर दिया गया है बारिश की वजह से। जितने भी रेलवे स्टेशन बनाए जा रहे हैं सबका निर्माण अभी अधूरा है, इनको बनने में अभी थोड़ा समय लगेगा। इनके अलावा जिन किसानों की जमीन अभी तक अधिग्रहित नहीं की गई है, ये प्रोसेस भी अब जल्द ही शुरू होने वाली है। लगभग दिवाली के बाद से ये प्रोसेस शुरू हो जाएगी। जैसे ही धान की कटाई स्टार्ट होगा, जमीन खाली होगी, भूमि अधिग्रहण की जो प्रक्रिया है रेलवे के द्वारा शुरू की जाएगी। अभी बीते दिनों मेडिकल की लिस्ट निकली थी रीवा सीधी सिंगरौली रेल लाइन प्रोजेक्ट की और पन्ना सतना रेल लाइन प्रोजेक्ट की, वो हमने वीडियो के माध्यम से आपको अवगत कराया था। इनके अलावा अभी तक कोई भी लिस्ट नहीं निकली है, लेकिन जो भी नई लिस्ट निकलेगी हम वीडियो के माध्यम से आपको जरूर अवगत कराएंगे। पहले और बहुत ही जल्द हम आपको एक बार फिर से रीवा सीधी सिंगरौली रेल लाइन प्रोजेक्ट की लाइव वीडियो हमारे YouTube चैनल द रेलवे ज्ञानी पे खाने वाले हैं। आप भी देखिए कि 3 महीने बाद क्या स्थिति है, कितना काम हुआ, कितना काम नहीं हुआ और कितना काम आगे बढ़ गया। नौकरी मुआवजा और भूमि अधिग्रहण की जो भी प्रक्रिया है, ये प्रक्रिया नवम्बर से हर हाल में शुरू हो जाएगी। बहुत दिनों से आप सभी के कमेंट्स आ रहे थे कि रीवा सीधी सिंगरौली रेल लाइन प्रोजेक्ट की लाइव वीडियो बहुत दिनों से हमारे चैनल पे नहीं आई है, तो उसके लिए हम आपसे क्षमा चाहते हैं, क्योंकि बरसात का समय था और काम भी बंद था, तो वीडियो बनाना थोड़ा मुश्किल हो रहा था। अब बरसात बंद हो चुकी है। अब आपको बहुत ही जल्द 2 से 3 दिन के अंदर रीवा सीधी सिंगरौली रेल लाइन प्रोजेक्ट की हर जगह की लाइव वीडियो हम अपने यूट्यूब चैनल पे आपको दिखाएंगे। और अभी तक हम सीधी से सिंगरौली रूट पे नहीं गए थे, इस बार हम आपको सीधी से सिंगरौली रूट जिस जिस गांव से रेल लाइन निकल के जा रही है, हम आपको सभी गाँव की लाइव कवरेज हमारे यूट्यूब चैनल पे देने वाले हैं और आपको दिखाएंगे कि सीधी से आगे सिंगरौली रूट पर अभी तक इस रेल लाइन प्रोजेक्ट में कितना काम हुआ है। इनके अलावा बहुत ही जल्द अब हम लोग पन्ना सतना रेल मार्ग पर भी जाने वाले हैं लाइव कवरेज के लिए। वहां भी हम आपको बताएंगे कि पन्ना सतना रेल मार्ग में कितना क्या काम हुआ है, कौन कौन से रेलवे स्टेशनों को बनाया गया है। अगर आप हमारी वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बस आज के वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा वीडियो आपको कैसी लगी और क्या है आपका सुझाव। अगर आप इंस्टा चलाते हैं तो कभी आइए हमारे इंस्टा की गलियों में। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय।